हाँ बच्चों, चलो आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय गणित का दूसरा पाठ समांतर तथा तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दो रेखाएं यल और एम खींची गई हैं। तो ये रेखा कैसी है? एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं सीधी हैं। इनको जितना भी आगे हम बढ़ाते जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, अर्थात काटेंगी नहीं। इनके बीच की दूरी समान रहेगी। तो रेखा यल तथा रेखा यम समांतर रेखाएं हैं। तो इसे ही रेखा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रेखा यल समांतर है रेखा यम, ऐसा हम लिख सकते हैं या लिखते हैं, ऐसा लिखा रहता है। तो हम समझ जाते हैं कि पहली रेखा और दूसरी रेखा के बीच समांतर का संबंध है, यानी पहली रेखा समांतर है दूसरी रेखा। यहाँ पर यल रेखा समांतर है यम रेखा से, तो ये समांतर रेखा है। अब हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा क्या है। यहाँ पर दो रेखाएं हैं और एक और एक्स्ट्रा अलग से तीसरी रेखा भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये रेखाएं कैसी हैं? यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो, तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। अब इस आकृति में देखो, यहाँ पर यम रेखा, पहली रेखा यम है और दूसरी रेखा ये यन है, स्मॉल यम और स्मॉल यन से दिखाया गया है। पहली रेखा स्मॉल यन, दूसरी रेखा स्मॉल यन, और इससे ये दोनों रेखाओं को बिंदु ए तथा बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कौन सी रेखा? यल रेखा। यल रेखा इन दोनों रेखाओं को बिंदु यम और बिंदु यन पर प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं। तो इस तरह से रेखा यल, जो ये रेखा यल है, यह रेखा यम तथा यन की तिर्यक रेखा है। तो हम कह सकते हैं रेखा यल रेखा यम और यन की तिर्यक रेखा है। अगले हम देखेंगे, अब इन तिर्यक रेखाओं से जो कोण बनते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे कोण बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण, तो दी गई आकृति में तिर्यक रेखा द्वारा बिंदु यम पर 4 तथा बिंदु यन पर 4, कुल 8 कोण निर्मित होते हैं। अब इनकी जोड़ियां जो है उसका अध्ययन नीचे करेंगे। पहले ये देखेंगे कि रेखा Q और S है, इनकी तिर्यक रेखा A और T है। ये जो है तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काट रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ पर, यम और यन बिंदु पर। यम बिंदु पर देखेंगे तो 4 कोण, 1, 2, 3, 4। इसी तरह यन बिंदु पर भी 1, 2, 3, 4 कोण बन रहे हैं। अब इन कोणों की जोड़ियों को हम समझेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं। तो पहला जो इसमें नाम आता है वो है संगत कोण। अब संगत कोण किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती है तथा तिर्यक रेखा पर न हो, ऐसी भुजा छेदन रेखा के एक ही ओर हो, तो कोणों की ऐसी जोड़ी को संगत कोण कहते हैं। उपरोक्त आकृति में संगत कोणों की जोड़ियां निम्न प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं। संगत कोणों की जोड़ियां कौन कौन सी हैं? कोण AMP, कोण AMP तथा कोण MNR, कोण AMP और कोण MNR, ये तिर्यक रेखा के
एक ही दिशा में है और ये है एक ही दिशा दर्शाती है, तो कोण AMP और MNR ये जो है एक जोड़ी है। दूसरी जोड़ी है कोण PMN तथा कोण RNT, PMN और RNT, ये देखेंगे अंदर का कोण PMN और RNT, ये दूसरी जोड़ी है। ये एक तरफ के दो जोड़ियां हैं, इसी तरह दूसरी तरफ भी दो जोड़ियां हैं, कोण AMQ इसकी जोड़ी है, कोण MNS ये है, कोण AMQ तथा कोण MNS दूसरी जोड़ी है, QMN ये नीचे की तरफ देखेंगे अंदर की तरफ, QMN इसकी जोड़ी है, SNT इसको हम यहाँ पे लिखे हैं SNT। तो इस तरह से ये जोड़ियां जो चार जोड़ियां हैं, पहला जोड़ी कोण AMP तथा कोण MNR, दूसरी जोड़ी कोण PMN तथा कोण INT, तीसरी जोड़ी कोण AMQ तथा कोण MNS, चौथी जोड़ी कोण QMN तथा कोण SNT, ये चार जोड़ियां संगत कोणों की जोड़ियां हैं। ये आपस में सर्वांग सम होती हैं, ये सभी जोड़ियां आपस में सर्वांग सम भी होती हैं, यानी बराबर होती हैं। दूसरा है अंतः कोण, समांतर रेखाओं के जो अंदर कोण होते हैं उनको अंतः कोण कहते हैं। तो कोणों की ऐसी जोड़ियां जो दी गई रेखा के अंतः भाग में हो तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, वह अंतः भागों की जोड़ी होती है, तो इसे ही अंतः कोण भी कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो है, ये जो क्षेत्र है ये अंतः भाग का क्षेत्र है, इधर एक जोड़ी बन रहा है, इधर एक जोड़ी बन रहा है। तो अंतः कोण की जोड़ियां कौन कौन सी बताई गई, दो जोड़ी है कोण PMN तथा कोण MNR, कोण PMN ये हो गया अंतः कोण PMN, इसकी दूसरी जोड़ी है MNR, ये इधर का और इधर का MNR एक दिशा में है, एक जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी क्या हो गया, ये दूसरी जोड़ी QMN, और इसकी दूसरे साइड में देखेंगे तो ये बन रहा है SNM, या इसको MNS भी कह सकते हैं। तो दोनों तरफ से नाम इसको हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी जोड़ी हो गई कोण QMN तथा कोण MNS, दो जोड़ी हो गई अंतः कोणों की जोड़ी, पहली कोण PMN तथा कोण MNR, दूसरी जोड़ी कोण QMN तथा कोण MNS। अभी तीसरा प्रकार इसमें है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, एक बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ हो, तथा उनकी तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा विपरीत दिशा दर्शाती हो, दिशा भी विपरीत दिशा दर्शाती हो, तो कोणों की ऐसी जोड़ी को एकांतर कोण कहते हैं। इस आकृति में जो पदी दर्शाई गई है यहाँ पे अंतः एकांतर कोणों की तथा दो जोड़ियां बाह्य एकांतर कोणों की हैं। दो अंतः एकांतर कोणों की जोड़ी है तो दो बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ी है। अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां क्या क्या हैं, अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां जो रेखाओं के अंतः भाग में स्थित है, दो जोड़ी है, पहला है कोण PMN तथा कोण MNS। कोण PMN तथा कोण MNS कहाँ है, कोण PMN और कोण MNS, यानी ये कोण और ये कोण, ये जोड़ी हो गई। अब इसी तरह दूसरी जोड़ी जो बन रही है,
दूसरी जोड़ी है कोण QMN तथा कोण RNN। कोण QMN, QMN और इसकी जोड़ी हो गई RNN। तो इसकी जोड़ी ए वाला, इसकी जोड़ी ए वाला होता है अंतः कोणों की दो जोड़ी। अब इसी तरह दो जोड़ी बाह कोणों की भी है, तो इधर देखेंगे AMP एक जोड़ी है, ये वाला कोण इसका जो है इसका विपरीत दिशा में कौन सी जोड़ी बनेगी। तो बाह्य एकांतर कोण की जोड़ियां जो रेखाओं के बाह्य भाग में स्थित कोण है, कोण AMP तथा कोण TNS। पहली जोड़ी है AMP तथा कोण TNS, AMP इसकी जोड़ी है TNS, ये वाला और ए वाला, ये दोनों कोण क्या है, बाह्य एकांतर कोण है। दूसरी जोड़ी कौन सी होगी, इसका और इसका, यानी AMQ, AMQ की जोड़ी कौन हो गई RNT। यहाँ पे दिखाया गया है AMQ की RNT। तो इस तरह से बाह्य एकांतर कोणों की जो जोड़ियां हैं, फिर से देखेंगे कोण AMP तथा कोण TNS, दूसरा है कोण AMQ तथा कोण RNT। इस तरह से आपको कोणों के तिर्यक रेखाओं द्वारा जो निर्मित कोण होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। अब इन कोणों के गुणधर्म अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके आधार पे आपको 2.1 स्वाध्याय करना है। धन्यवाद।